सारे लोग मुझको नहीं जानते, ऐसा ही है। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे बारे में बहुत कम जानते हैं? एक बार वो हाथ खड़ा कर ले जो कम जानते हैं। क्या बात। चलिए मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, सुनना चाहेंगे? आप सब लोग इस हॉल के अंदर आए हुए हैं, सेफ शॉप का वॉरिस अचीवर डे देख रहे हैं। ऐसे ही आज से ठीक 11 साल पहले मैं भी ऐसा ही एक शो के अंदर दिल्ली के अंदर बैठा हुआ था। मुझे भी आप ही की तरह किसी ने लाया था और शो में बैठाया हुआ था, और लोगों को लोग नाच रहे थे, लोग खूब घूम फिर रहे थे, और कुछ लोग प्रमोशन ले रहे थे स्टेज पे आके। और बहुत जब मैं उनको देख रहा था स्टेज पे प्रमोशन लेते हुए, मैं भी पीछे भीड़ में मौजूद था। 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज से 11 साल पहले। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था यार ये है क्या है, इस कंपनी का मतलब है क्या है, क्या है इस कंपनी के अंदर कि ना चीज यहाँ तो बाहर सामान मिलता ही नहीं है। बाहर की दुनिया के अंदर, बाहर की दुनिया में इज्जत नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर मैं हॉल में बैठा हूँ, यहाँ पर लोगों को इज्जत दी जा रही है, तालियां बजाई जा रही है, एक आम आदमी उठ के खड़ा हो रहा है, वो बोल रहा है कि मैंने वो कमाया वो कमाया वो कमाया। और मैं 11 साल पहले पीछे बैठा हुआ सोच रहा था कि साला है क्या ये सेफ शॉप, है क्या इस कंपनी में ताकत कि नाचीज को चीज बनाया जा सकता है। और मैंने जब इस कंपनी के बारे में पूछा, प्लान सुना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे दिमाग में दिल में ठंड से आवाज आई। वो आवाज ये थी कि अगर मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं शिद्दत से ईमानदारी से दिल से अपने सपनों के लिए मेहनत कर दूं, तो मेरी आने वाली जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी इस जन्म में तो क्या सातों जन्म में अमीर बन जाएगी। ऐसी महान कंपनी के बारे में जब मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, टांगों के नीचे से जमीन खिसक गई। और 11 साल पहले की बात कर रहा हूं, 11 साल सोच के देखिए आप 11 साल पहले कहां थे, कहां थे, कहां थे, सोच के देखिए। और मैंने जब इस कंपनी का हाथ थामा, मेहनत करनी शुरू कर दी, लोगों को सुनाना समझाना शुरू कर दिया, परिवार वालों को बोलना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग मेरे विरुद्ध खड़े हो गए। एक साइड ना करने वालों की लिस्ट थी और बहुत कम लोगों की हां करने वालों की लिस्ट थी। और मैं लड़ता रहा, निडर होके पढ़ता रहा, धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 लोग ज्वाइन हो चुके। आज 11 साल बाद ये जो नेटवर्क है 2,00,000 लोगों का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है। सोच के देखिए आज इस बिजनेस से 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इनकम सेल शॉप से हमने की है मेरे दोस्त, हमने की। यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति कोई भी गलत, चाहे वो पीछे है, चाहे ऊपर है, चाहे वो नीचे है, चाहे जमीन पर क्यों ना बैठा हो, हर एक व्यक्ति का सपना है अमीर बनना, और वो भी इस जन्म में। मैं आपसे पूछता हूं ऐसा कौन सा रास्ता है बाहर मार्केट के अंदर जहां से अमीरी आ सकती है, बताइए। सपने तो बहुत सारे हैं, पाना बहुत कुछ चाहते हैं हम लोग, लेकिन कोई रास्ता नहीं है जहां से ईमानदारी से खड़ा हुआ जा सके। और एक रास्ता है, आप जाने अनजाने में भी जैसे भी किसी ने आज उठा के लाया, तोड़ा के लाया, इस हॉल में बिठाया हुआ है, बेसुध तो वो लोग हैं, बेहोश तो वो लोग हैं जो बाहर हैं, जो इस हॉल के अंदर नहीं है। मैं कहूं जो इस हॉल में है वो बेहोश अभी तक था, इस हॉल को छोड़ने के बाद वो होश में आएगा, इस हॉल को छोड़ने के बाद उस घर में उस दिल में आग लगेगी। और छत्तीसगढ़ से भी हर घर में, हर जगह, हर तहसील में, हर गांव में करोड़पति बच्चा पैदा होगा, और वो कहीं नहीं सेफ शॉप में होगा। शुरुआत तो आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा हुआ है। जो लोग नाचीज थे, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जिनको एक आदमी नहीं सुनता था, आज उनको ये हजारों आदमी खड़े हो जाते हैं। ये ताकत सिस्टम की है, ताकत कंपनी की है। आप किसी भी रंग में हो, किसी भी रूप में हो, आप कैसे भी हो, आप छोटे हो, मोटे हो, काले हो, नीले हो,
मेहनत करनी पड़ेगी, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल अपनी जिंदगी की कुर्बानियां दे दीजिए। अब तक आप जो भी थे जैसे भी थे अभी तक तो जिंदगी नहीं बदली, सही कह रहा हूं क्या बदली है? हाँ जी उम्र वालों बदली है? नहीं बदली। आप रामू हो, रामू ही रहोगे अगले 4 साल बाद, अनीता है सीता है यही रहेगी 4 साल बाद। अगर मेहनत कर दी इन 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल में तो सीता डायमंड होगा, रामू डायमंड होगा। आज मुझे कंपनी के बारे में नहीं बोलना पड़ेगा, कंपनी ये है कंपनी है कंपनी 18 साल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। 18 साल में न जाने कितने गरीबों को अमीर बनाया है। ये वो समुंदर है जहां पे आता तो आदमी सिर्फ चंद पैसे देके अपनी जरूरत की चीज लेके चला जाता है, लेकिन जाले के यहां से करोड़ों अशरफियां करोड़ों रुपया लेके चला जाता है। यहां तो जिंदगी में इस जिंदगी में जिस जिंदगी में हम लोग आज की दुनिया देखते हैं मेहनत करने के बाद ही पैसा नहीं मिलता, 1000 बार मांगना डांटना झांकना पड़ता है। मैं कहूं से जो की बात, यहां तो जीते जी तो मिलता ही है, मरने के बाद ही पैसा मिलता है। सोचना आप सबको है आप कितना कमाना चाहते हो, है तुम है पागलपन उपलो आज यूएस बैठे 40 लाख सोने नहीं देगा। ये हॉल जब छोड़ोगे रात को नींद नहीं आनी चाहिए, सपने इतने बड़े होने चाहिए। 4 लोगों ने मना क्या कर दी, बिजनेस कमजोर लगेगा, डर जाओगे। हमें भी लोगों ने मना करा था, हमें भी लोगों ने सब कुछ किया था। इस बिजनेस में एक ही चीज तो लगता है आदमी को, डर। लोगों ने मना कर दी क्या लगेगा, डर। जो डर गया वो मर गया। उसने अपना 1% चांस खो दिया सेफ शॉप में कामयाब होने का। मेहनत करनी पड़ेगी, 3 साल 4 साल फिर करना पड़ेगा, लोगों की ना को हाँ करना पड़ेगा, मीटिंग में हॉल में लोगों को भरना पड़ेगा। यहाँ पर लोगों का ही तो बिजनेस है, इंसानों का बिजनेस है, जानवरों का है क्या? अभी कंपनी के साथ ही चले रहे जैसलमेर के 15 पेयर थी तो जैसलमेर जाओ। मैं कहूं जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं बाहर की दुनिया में हम कौन सा आदमी घूमने जाता है बता के देखिए, अपने डिस्ट्रिक्ट में शहर में गांव में कोई भी व्यक्ति आज जीने मरने के लाले पड़े घूमना तो साला दूर की बात है, सही कह रहा हूं। लेकिन कंपनी 15 पेयर में जैसलमेर 3 रात 4 दिन शाइश, हिंदुस्तान में ही नहीं कंपनी ने तो विदेशों में भी घुमा के रख दिए हैं लोगों को। जितने कभी पंडितों ने पंडितों ने कभी मना कर रखा था तेरी किस्मत कुंडली नहीं चलेगी तू कुछ नहीं कर सकता, आज उसके हाथों में भी रेखाएं बोलती है तू विदेश घूम सकता है। क्यों? क्योंकि पंडित कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सब सफल कर सकता है। यार ईमानदारी से मेहनत चाहिए, ईमानदारी से आदमी दो ही तरीका दो ही चीजों को चाहता है, एक ईमानदारी दूसरा इज्जत, एक पैसा और एक इज्जत। पैसा बहुत है सिर्फ शॉप में, बहुत इतना पैसा है कि पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। बशर्त मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का कुछ नहीं चलेगा। बशर्त 4 साल 5 साल, अरे 5 साल में डायमंड नहीं बने तो क्या हुआ, 10 साल में बन जाओगे तो कम होगा? लेकिन आप एक उम्मीद हो आपके परिवार की, आप एक उम्मीद हो आपके घर वालों की, आप वो उम्मीद हो जो आपके घर से बदल के रख देगा, अपने बच्चों को फ्यूचर बना के रख देगा, अपने माँ बाप की जिंदगी संवार देगा। थोड़ा सा सोच लीजिएगा, इस हॉल को छोड़ने से पहले जरूर सोचिएगा। अगर आज मैं यहां पे हूं स्टेज के अंदर हूं, जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मैं एक नहीं था, मेरे साथ मेरी टीम मेरे घर में थी, मेरे 4 भाई, 1 से भले 2, 2 से भले 4। जिंदगी खुशहाल होगी तभी जब कमाएगा पूरा परिवार। नहीं सपोर्ट करेगा, पहले घर से टीम तैयार करो, घर से लोग साथ आए, घर से लोग जुटे। अगर घर की मजबूती साथ होगी तो को दुनिया का बड़े से बड़ा डंका तोड़ मार देगी, सही कह रहा हूं। आप कुछ भी हो किसी भी कंडीशन में हो घबराइएगा मत, घबराइएगा मत। आपके पास एक बिजनेस किट आती है, उस किट को रात दिन सुबह शाम पलते जाइए,
जब भी लगे मुझसे नहीं होगा, जब भी लगे मैं नहीं कर सकता, या तो अपने अपलाइन से बात करिए, या तो बेनिफिट को पढ़िए, उनकी वीडियो देखिए। एक ना एक दिन भगवान को भी मजबूर होना पड़ेगा, सारा छोड़ नहीं रहा है और इसे कामयाब करना ही पड़ेगा सारा। सही कह रहा हूं दोस्तों, जिंदगी बहुत बदतर है भार की, बहुत बदतर। जो एक नौकरी पेशा आदमी है वो पूरी जिंदगी नौकरी करता है, रिटायर हो रहा है, एक घर बना के खत्म हो जाता है। नौकरी पेशा आदमी पूरी जिंदगी मेहनत की, एक लड़की की शादी हो गई, खत्म हो जाता है, कमर टूट जाती है। सही कह रहा हूं। और एक ये बिजनेस है, 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल आहुतियां डाल दो, हम रहेंगे तो भी कमाएंगे, ना रहेंगे तो भी घर वाले कहीं नहीं जाएंगे, उनको भी नोट बताएंगे सेफ शॉप से। ये बिजनेस दिल से करने का बिजनेस है, दिलों को दिलों से जुड़ना पड़ेगा, दिल से। विश्वास सबसे बड़ा क्या है? विश्वास। जिसको विश्वास हो गया है, दुनिया में कोई भी बड़े से बड़े सितम खड़े कर दो, वो विश्वास, वो ज्वाला, वो सितम को तोड़ के रख देगी, उस विमुख गरीबी को खत्म करके रख देगी। सही कह रहा हूं। हम गरीब पैदा हुए तो क्या हुआ, क्या हुआ, लेकिन गरीब मरेंगे नहीं। सही कह रहा हूं। हम रोते हुए धरती में आए हैं, जितने नहीं रहेंगे हजारों लोग हमारे लिए रोएंगे जरूर, इतना ऐसा काम करके जाओ मेरे दोस्त। तैयार हो? जाने अनजाने में किसी के माध्यम से इस हॉल में आप लोग आए हुए हो, जब हॉल छोड़ोगे, हॉल छोड़ने के बाद सोचना जरूर, एक चांस आप सबका इस बिजनेस में, एक चांस, 1% अगर आपने कुछ कर दिया तो उन आने वाली जनरेशन का भला हो जाएगा, यदि आपने नहीं किया तो आने वाले जनरेशन को आपसे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और बाहर कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको अमीर बना सके। सही कह रहा हूं। और ये आखिरी और पहला रास्ता सिर्फ एक ही है, वो है सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप।